तो व्हाट्सएप में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे इमेजेस आपके पास आती है जिसको डाउनलोड करने से पहले आप जब देखते हो तो वो कुछ और होता है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद वो तुरंत से चेंज हो जाता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसा कर पाएंगे। एक छोटा सा इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज सनी मार्क एंड यू आर वाचिंग सनी टेक। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। इस एप्लीकेशन का नाम और कहां से डाउनलोड करना है ये सब कुछ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी ऐसे बता दिया तो आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे पूरा, और मुझे पता है आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरा वीडियो छोड़ के यहीं पर निकल जाओगे, जिससे मेरी वीडियो की वैल्यू बहुत ख़राब हो जाएगी और ये यूट्यूब को लगेगा कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, इसलिए लोग इसे पूरा नहीं देखते हैं, जिससे मेरी वीडियो सर्च में नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा और मेरे वीडियो पे वॉच टाइम आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ यार इतना तो कर दो यार, और हो सके वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो इमेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन हैं, एक तो ओरिजिनल इमेज होगा, एक ये होगा प्रीव्यू इमेज। तो मैं यहाँ से एक ओरिजिनल इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी ओरिजिनल इमेज होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ओरिजिनल इमेज के नीचे क्लिक टू सेलेक्ट फोटो पे क्लिक करा मैंने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैलरी का पॉपअप आ गया, आप इससे गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी में आने के बाद मैं यहाँ से कोई एक अच्छी सी फोटो सेलेक्ट करूंगा, तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा। मान लो यार मैं यही फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे ये फोटो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैंने सेलेक्ट करा आपको दिखाने के लिए क्योंकि कौन सा मुझे यहाँ पे यार ऑडिशन देना है। फिर मैंने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्या करना है, प्रीव्यू इमेज के नीचे जो क्लिक टू सेलेक्ट फोटो है इस पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, फिर से गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है। गैलरी में जाने के बाद फिर से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपको प्रीव्यू करवाना है। तो चलो मैं यहाँ से मैं एक फ़ोटो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। मैंने दो फोटो सेलेक्ट कर ली, एक तो ओरिजिनल इमेज हो गई हमारी, दूसरी क्या हो गई, एक प्रीव्यू इमेज हो गई। मैंने दो फोटो सेलेक्ट कर लिया, दोनों को मुझे क्या करना है, एक में मिक्स करना है। नीचे जो एक आपको एक टैब दिख रहा है यहाँ पे शेयर विद व्हाट्सएप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख तो व्हाट्सएप ओपन होगा। व्हाट्सएप में मुझे किसी को सेंड करना है अगर इस चीज़ को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इस पर किसी भी एक कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दिया। सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक एप्लीकेशन की लिंक आ रही है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोगों को पता नहीं लगे कि ये कहाँ से मैंने बनाया है, तो ये लिंक नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ऐसे क्लियर कर सकते हो। ये लिंक को आप हटा दो बिल्कुल, यहाँ से फिर से इसको राइट पे क्लिक कर दो। तो ये क्या होगा कि लिंक नहीं जाएगा लोगों को, लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि ये बनता कैसे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप फोटो को देख पा रहे हो कि फोटो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कुछ अलग टाइप की लग रही है। जो नॉर्मली जब देखते हो आप फोटो, तो आपकी फोटो कुछ इस तरह की नहीं होती है, वो प्लेन ओरिजिनल फोटो होती है, लेकिन इसमें दो फोटो को मिक्स करके एक फोटो बनाई गई है, इसलिए फोटो ऐसी लग रही है दिखने में। तो क्या है कि हमारे पास तो ये ओरिजिनल प्रीव्यू हो रही है, लेकिन इनको जब जाएगा ये, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको जो मैंने सेकंड वाली प्रीव्यू दिखाया था ना, वो वाली फोटो उसको दिखेगी। जब आप डेमो करके किसी दूसरे फोन में करके देख लेना, मेरे पास अभी एक ही फोन है, तो वो सिंपली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप मेरा यकीन मानो, ये फोटो आपके लिए है, लेकिन जब वो उसको सेंड होगा और वो देखने सामने वाले बंदे को जब डाउनलोड करने से पहले वो कुछ और दिखेगा, सेकंड वाली फोटो दिखेगा जो मैंने उसमें सेलेक्ट करा था, और डाउनलोड होने के बाद फिर से ये फोटो ही दिखने लगेगी। तो आपके फ़ोन में तो ये डाउनलोडेड है ऑलरेडी, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में भी ये डाउनलोड नहीं होता, आपको डाउनलोड करना पड़ता, तो आपको डाउनलोड से पहले ये सेकेंड वाली प्रिव्यू होती। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहे डायरेक्ट तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में आपको जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है प्रीव्यू चेंजर। प्रीव्यू चेंजर को आप सर्च करोगे, वहाँ से ये वाली एप्लीकेशन आएगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और सिंपली आपको इमेजेस को चेंज करना है और लोगों को सेंड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।